नमस्कार दोस्तों, आव्यू यानी कि मैट्रिसेस के वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो चलिए शुरू करते हैं आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं से। किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय होगा। अब देखिए, इसमें मैंने पहली और दूसरी पंक्ति का परस्पर विनिमय करा है। यह पहली संक्रिया है। दूसरी संक्रिया, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणन करना। जैसे कि R1 में मैंने 7 से गुना करा है। देखिए, अब आप इसमें देख सकते हैं कि पहली पंक्ति में मैंने 7 से गुना करा है, बाकी ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं तीसरी संक्रिया, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभों के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुना करके जोड़ना। इसमें मैंने पहली पंक्ति को 2 से गुणा करा है, फिर -R2 करा है, यानी कि दूसरी पंक्ति। यह मेरा एक आव्यूह है। अब देखिए, पहली पंक्ति में मैंने यह संक्रिया लगानी है, तो होगा 2×5 -9, यानी कि 1, और 7×2 -11, यानी कि 3। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, AB बराबर होगा BA, जो कि बराबर होगा IK, यानी कि तत्समक आव्यूह। उदाहरण द्वारा समझते हैं। A और B दो आव्यूह हैं। A×B होगा, इसको सरल करके हमें प्राप्त होगा। अब हम देख सकते हैं कि यह एक तत्समक आव्यूह है। अब हम BA निकालेंगे, यानी कि B×A। इसको सरल करने पर भी हमें एक तत्समक आव्यूह प्राप्त होगा, यानी कि BA का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। उदाहरण, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह A का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। चरण 1, पहले हम A को A के बराबर रखेंगे। अब हम इसमें I लिखेंगे, यानी कि A बराबर होगा I A के। अब देखिए, इस A में हम तत्समक आव्यूह बनाएंगे और I की जगह पे जो हमें मान ज्ञात होगा वह आव्यूह व्युत्क्रम होगा। देखिए, यहां मैंने A बराबर I A की जगह पे यह लिख दिया। हम यहां पर तत्समक आव्यूह बनाएंगे और हमें यहां पे A का व्युत्क्रम प्राप्त होगा। तो चलिए, अब हम पंक्ति संक्रिया लगाएंगे। तत्समक आव्यूह बनाने के लिए हमें 1 0 0 1 चाहिए। हम देख सकते हैं कि यहां पर 1 हमारे पास है। अब हमें यहां 2 की जगह पे 0 बनाना है। अब क्योंकि हमें तत्समक आव्यूह बनाना है, तो हम दूसरी पंक्ति में यह संक्रिया लगाएंगे। इसके बाद हमें मिलेगा, अब आप देख सकते हैं कि यहां पे मुझे 0 मिल गया और यह संक्रिया मैंने दोनों तरफ लगाई है। अब मुझे -5 की जगह पे 1 चाहिए, यानी कि
दोबारा से मुझे दूसरी पंक्ति में संक्रिया लगानी होगी। इसके बाद मुझे मिलेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे वन बन चुका है और यह संक्रिया दोनों तरफ लगी है। अब तत्समक आव्यूह के लिए केवल हमें दो को जीरो बनाना होगा। तो पहली पंक्ति में हमने संक्रिया लगाई, यहाँ पे जीरो बन चुका है और यह संक्रिया दोनों तरफ लगी है। अब क्योंकि यहाँ पे तत्समक आव्यूह बन चुका है और हम जानते हैं I यानी कि तत्समक आव्यूह बराबर होता है A प्रतिलोम गुणा A के, तो इसलिए A प्रतिलोम बराबर होगा इस आव्यूह के। उदाहरण, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह A का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम A को बराबर रखेंगे I गुणा A के, तो हमें मिलेगा, तो चलिए अब हम व्युत्क्रम निकालने के लिए तत्समक आव्यूह बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जीरो की जगह पे हमें वन चाहिए, क्योंकि हमें तत्समक आव्यूह बनाना है, तो हम पहली और दूसरी पंक्ति को आपस में परस्पर विनिमय करेंगे। तो चलिए पहली संक्रिया लगाते हैं। ये देखिए यह दोनों तरफ हुआ है। अब हम तीसरी पंक्ति में तीन को जीरो बनाएंगे, यानी कि हमें तीसरी पंक्ति में संक्रिया लगानी है, तो हमें मिलेगा और यह संक्रिया दोनों तरफ लगी है। अब क्योंकि दूसरे स्तंभ में वन हमारे पास है, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में हमें जीरो बनाना है, तो चलिए पहली पंक्ति में बनाते हैं। यहाँ हमने जीरो बना दिया और यह संक्रिया दोनों तरफ लगी है। अब हम यह संक्रिया तीसरी पंक्ति में लगाएंगे। यह संक्रिया दोनों तरफ लगाई है। अब हम दोबारा से तीसरी पंक्ति में संक्रिया लगाएंगे, क्योंकि तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में जहाँ पे दो है वहाँ मुझे एक चाहिए। यह लगाने के बाद मुझे एक मिल गया और यह दोनों तरफ लगाई। अब देखिए पहली पंक्ति में संक्रिया लगाई क्योंकि मुझे माइनस वन की जगह पे जीरो चाहिए, और अब दूसरी पंक्ति में यह संक्रिया लगेगी। ये भी दोनों तरफ लगाई है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें तत्समक आव्यूह यानी कि I मिल चुका है और हम जानते हैं I बराबर होता है A प्रतिलोम गुणा A के, यानी कि A प्रतिलोम बराबर होगा इस आव्यूह के। इस वीडियो में हमने सीखा आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।